सो व्हाट्स अप गाइस, इट्स योर बॉय क्रेटोस एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू सीरीज ऑफ डिनकम। सो काफ़ी सारे कमेंट्स के बाद मैं अभी कुछ टाइम तक पहले एलियन आइसोलेशन खेल रहा था, जो कि गेम्स आईपैड के लिए थी। सो फाइनली अब यहाँ पे हम आ चुके हैं पीसी की गेम्स की सीरीज पे, और जहाँ पे सबसे पहले जो गेम है वो है डिनकम गेम। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक कैरेक्टर अपना बनाना है, तो कैरेक्टर को हम यहाँ पे कर देते हैं रैंडमाइज। तो कोई ऐसा अच्छा कैरेक्टर हमें मिल जाए तो ये वाला कैरेक्टर ठीक है, बट इसके हेयर स्टाइल के कलर जो है हम उसको चेंज करके वाइट कर देते हैं, और जो आई का कलर है, आई का कलर को थोड़ा सा डार्क शेड में ब्राउन कर देते हैं। ओके, अब क्लोथ में हम इसको ब्लैक दे देते हैं, और नीचे जो ट्राउज़र है उसकी, चलो ब्लू कलर भी वो ठीक है। व्हाट्स योर नेम? सो यहाँ पे हम अपना नाम डाल देते हैं क्रेटोस। ओके, एक मिनट, यहाँ पे जरा शायद से कैप्स लॉक ऑन था। सो क्रेटोस, और यहाँ पे आइलैंड का नाम हम कर देते हैं ओलंपस। तो जिन लोगों को नहीं पता ओलंपस क्या चीज़ है, तो मैं उन लोगों को कहूँगा कि आप एक बार गॉड ऑफ वॉर जरूर देख रहा, या गॉड ऑफ वॉर की आप एक्सप्लेन वीडियो भी आप देख सकते हैं कि क्रेटोस और जो ओलंपस का रिलेशन है वो काफ़ी मज़ेदार रिलेशन है। और यहाँ पे हमें एक प्रीक्वल देखने को मिला है, बट हमें इसकी एज सच इस प्रोलॉग की हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को इन शॉर्ट में आप लोगों को स्टोरी बता देता हूँ कि यहाँ क्या होने वाला है। सो बेसिकली जो जहाँ पे हमारा प्लेयर अभी रहता है साउथ सिटी, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्नो हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पे मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका है, और लोग भी अपने घर से ज़्यादा नहीं निकलते। तो यहाँ पे एक फ्लीट आ गई जिसके पास खुद का एक प्राइवेट आइलैंड है। सो उस आइलैंड पे वो चाहती है कि साउथ सिटी के लोग यहाँ पे आए, और वो चाहती है कि कोई उसकी हेल्प करे चीज़ के लिए। तो उसके लिए क्रेटोस ने हाँ कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हो फ्लीट दीदी का, यहाँ पे हमें जो एक तरीके से आप कहते हैं मेल। सो यहाँ पे ये फ्लीट दीदी नहीं, वैसे कहना चाहिए फ्लीट दादी है ये। और यहाँ पे हम ओलंपस के लिए तैयार हो चुके हैं लीव करने के लिए, जो कि हमारा आइलैंड एक तरीके से हम उसे अगर फ्लीट का आइलैंड कहें या क्रेटोस का आइलैंड कहें तो कुछ ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है। वो एक तरीके से जो लैंड है वो फ्लीट की है, लेकिन उसका मेयर जो है वो क्रेटोस बन चुका है। और मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ कि आप लोग इस गेम की ग्राफिक्स देख के ये मत सोचना कि गेम काफ़ी अजीब है, गेम की ग्राफिक्स काफ़ी लो है तो गेम मज़ेदार नहीं होगी, ऐसा नहीं। गेम काफ़ी अच्छी है, एक बार अगर आप इस गेम को खेलोगे, और आप हेडफोन जरूर पहनना इस गेम को खेलते हो, क्योंकि उसका ऑडियो काफ़ी अच्छा है, आप लोग को सुन के काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आप हेडफोन रिकमेंडेड है। और यहाँ पे अभी भी कुछ यहाँ पे जो बातचीत चल रही है फ्लीट और क्रिएटर्स के बीच में, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं उस आइलैंड पे। सो आइलैंड की आपको एक तरीके से आपको माइनक्राफ्ट जैसी गेम देखने को मिलेगी, बट हाँ माइनक्राफ्ट से थोड़े से ग्राफिक्स ज़्यादा अच्छे हैं इसमें, बट काफ़ी अच्छी गेम है। और यहाँ पे अब हम आ चुके हैं समर है, सो हम यहाँ पे लैंड कर चुके हैं। फ्लीट दीदी तो कुछ यहाँ पे हमारी कन्वर्सेशन हो रही है वापस से दीदी फ्लीट दादी के साथ, और यहाँ पे कंपनी हमने कर दिया साउथ सिटी में। हम ही तो एक रहते हैं जो सबसे ज़्यादा बहादुर है साउथ सिटी के, जो हम यहाँ पे हेल्प करने आए हैं। सो चलो यहाँ पे हम चलते हैं, लुक एट द फ्लीट। ओके, लेट्स गेट क्रैकिंग ओपन, आई विल बी सी यू आउटसाइड। ओके, सो यहाँ पे शायद से अभी भी हम उस हॉट एयर बलून में ही हैं। हाँ, सो हम हॉट एयर बलून से यहाँ बाहर निकल चुके हैं, और फ्लीट दीदी क्या यहाँ पे हमारी वापस से कुछ कन्वर्सेशन है। मैं बार बार फ्लीट दीदी कह रहा हूँ व्हेन इट इज़ फ्लीट दादी, तो अगली बार से मैं इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दूंगा। और यहाँ पे स्मेल की बात करी जा रही है। ओके, सो हमें जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारा यहाँ पे काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो साउथ सिटी के लोग हैं हम उनको कन्विंस कर सके ताकि वो यहाँ आके रहें, और इस चीज़ में फ्लीट दादी हमारी हेल्प करेगी, जैसे कि उन्होंने हमें एक बेस टेंट दिया है, और इसके अलावा हमें यहाँ पे एक मैप भी देखने को मिला है ताकि हम इस आइलैंड को पूरी तरह एक्सप्लोर कर सकें और लोग यहाँ पे आके रहना स्टार्ट करें ओलंपस में। तो हम एक तरीके के मेयर हैं और ये इस जगह की ओनर है। सो हम यहाँ पे तैयार हो चुके हैं, तो एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पे आइलैंड दिखाता हूँ। पहले हमारे यहाँ पे एक बेस टेंट मिल चुका है, बेस टेंट के साथ हमें यहाँ पे एक आइलैंड मैप भी देखने को मिला। ओके, सो हम इसके लिए कोई एक जगह सी जगह ढूंढनी है ना अच्छी सी, तो थोड़ा सा मैं आगे एक्सप्लोर करते हैं। ये वाला जगह तो काफ़ी ज़्यादा छोटी है, तो हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे, या तो मैं क्या सोच रहा हूँ सामने, बट यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है। यहाँ पे हमें देखो एक एलिगेटर देखने को मिल रहा है, और ये एलिगेटर हमें काट लेगा अगर इसने हमने देखा तो। आगे कैंगरूज भी हैं, चलो अभी काम करते हैं, अभी क्रॉस करते हैं पानी को उस साइड चलते हैं, क्योंकि एलिगेटर का भी शायद से ध्यान हमारी तरफ नहीं है। और हम इस वाले आइलैंड पर अगर अपना बेस बनाते तो हमें बार बार इस पानी को क्रॉस करना पड़ेगा, तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है, तो हम इस चीज़ को अवॉइड करेंगे यहाँ पे। तो ये वाली जगह फिर भी थोड़ी सी ज़्यादा सही है, बट हम थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। यहाँ पे देखो काफ़ी सारे कैंगरूज हैं, और मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, हम इन सारे कैंगरूज को हम यहाँ पे कैंगरूज हो गए, यहाँ पे डॉग्स बर्ड्स जितने भी, हम इन सबको टेम कर सकते हैं, और हम यहाँ पे अपना खुद का एक जू भी बनाने वाले हैं अगले एपिसोड्स में। यहाँ पे क्लोज में बीच भी है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ
इधर ऊपर की साइड ही बनाते हैं हम, इस कोने में यहाँ पे जो वहाँ पे दे रखा है घर, हम इसको इधर लगाते हैं, और ये एक तरीके से फ्लीट दादी का जो घर है ये वो है। सो इसको यस कर लेते हैं, इट्स अ गुड प्लेस। ओके, तो यहाँ पे फ्लीट दादी सीधा उड़ते हुए यहाँ पे आई है, पानी को उनको तैरने की कोई जरूरत नहीं है। सो हेयर देयर इज वेयर यू डिसाइडेड टू बिल्ड इट, इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट, आवर न्यू होम हेयर ऑन ओलंपस। सो क्रेटोस ने पहले भी ओलंपस का डिस्ट्रक्शन लेके आया था, तो क्या देखते हैं कि यहाँ पे क्या वापस से डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी। और इसी से मेरे को क्रेटोस की काफ़ी ज़्यादा फेमस लाइन याद है, जो उसने ज्यूस को बोली थी, ज्यूस योर सन हैज ब्रिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओलंपस, कुछ ऐसी थी। तो यहाँ पे प्लीज टेक योर टाइम एंड अच्छा, यहाँ पे ये इसका नेट था, फ्लीट का टेंट था, सॉरी फॉर डेट। और यहाँ पे इसने हमें भी टेंट दिया, तो उस टेंट को भी हम यहाँ पे अब लगा सकते हैं, और जब सब कुछ तैयार हो जाए तो ये हमारा इंतजार करेगी अपने टेंट के अंदर। सो हमें यहाँ पे एक टेंट अपने लिए भी मिल चुका है, और अब हमें जगह ढूंढनी जहाँ पे हम इसको लगा सकें। सो मैंने यहाँ पे जो ये ऊपर वाली जगह देखी थी, तो इस वाली जगह पे मैं सोच रहा हूँ अपना टेंट लगाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखते हो गाइस, ये डॉग भी है, सो हम इन सबको टेम कर सकते हैं। तो अभी हम थोड़े आने वाले एपिसोड्स में हम इन सबको टेम करेंगे, तो थोड़ी सी इनके लिए कोई अच्छी जगह निकाल, ये जगह सही रहेगी टेंट के लिए। तो यहाँ पे हम जो टेंट है अपना टेंट यहाँ पे लगा लेते हैं। ओके, यस करते हैं इसे। ओके, हमारा टेंट है लग चुका है, टेंट को अंदर से देखते हैं। तो टेंट अब यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है, तो टेंट का कुछ यहाँ पे हमारा काम नहीं है। अब हमारे पे जो मिशन है वो है टॉक टू फ्लीट, तो एक बार हम फ्लीट के पास चलते हैं, और फ्लीट के पास चल के हम यहाँ पे बात करने के लिए स्टार्ट करते हैं। यू फाइंड अ गुड प्लेस फॉर टेंट, एक बार आप जिनकी आवाज़ सुनूंगी तो ये कितने अजीब से कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा समझना थोड़ा मुश्किल है। अगर ये थोड़ा सा स्कोर अच्छा कर सकते तो काफ़ी अच्छा रहता। यू सी द मोस्ट ऑफ पीपल आर स्केयर्ड ऑफ लिविंग, देयर इज समथिंग अबाउट द पीपल दैट पुल द स्पार्क्स आउट ऑफ द पीपल, बट आई विल टेल यू व्हाट, वी सर्टेनली आर द फर्स्ट टू लीव। ओके, तो हम अकेले नहीं है जो यहाँ पे आने को तैयार हुए थे, हमारे यहाँ पे जॉन भी है, जॉन नाम का बंदा भी है जो यहाँ पे आने को तैयार हुआ था। सो हमने इसके बारे में सुना नहीं, तो लेट्स हेयर अबाउट हिम कि ये है कौन, ही इज अ ब्लडी लेजेंड एंड एक्वायर्ड हिम फ्रॉम ट्रेडिंग अ सेट ऑफ एंटिक कटलरीज, ट्रेडिंग इज इन वेरी ब्लड। अच्छा, तो ये एक तरीका ट्रेडर है जिससे हमें कुछ सामान मिलेंगे, कुछ हमें यहाँ पे शायद से हमें टूल्स वूल्स के लिए हमें शायद से हमें जॉन के पास जाके ही हमें उसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। वी विजिट द विजिटिंग साइट डीड रेडी फॉर हिम, ओके, तो हमें उसे एक जगह भी देनी है जहाँ पे जॉन आके अपना जो टेंट है एक तरीके से वो टेंट लगा सकता है। जस्ट बी श्योर इट्स क्लोज बाय, यू डोंट विजिट टू फील लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ ओलंपस। अच्छा, तो हम ज़्यादा दूर नहीं लगा सकते जॉन की शॉप को, ताकि जो विजिटर्स होंगे जो साउथ सिटीज आएंगे ओलंपस में, उन्हें लगे ये भी एक हमारा पार्ट ही है। तो यहाँ पे मिल चुका है विजिटिंग साइट डीड, तो ये तरीके के लैंड है। सो हमें इसके लिए भी हमें जगह ढूंढनी है, तो हमने अपना घर यहाँ बना लिया है, फ्लीट दीदी का दादी का घर यहाँ बना दिया। तो मैं सोच रहा हूँ ओके, तो यहाँ पे इसको हड्डिया भी है, सो इसके क्लोज ही मैं इधर की साइड ही कहीं पे है, यहाँ लगा लेते हैं हम थोड़ा सा पीछे, पानी से अच्छा टच करके नहीं लगा सकते, चलो हम तो हम इधर लगा लेते हैं। सो इट्स गुड प्लेस फॉर अ विजिटिंग साइट डीड, यस। तो हम जॉन का घर यहाँ देखो गाइस, हम यहाँ पे टेंट में रह रहे हैं और जॉन को यहाँ पे लकड़ी का घर दे रखा है, बट फिलहाल अभी जॉन आया नहीं है यहाँ पे, और हमें वापस से आके फ्लीट से बात करनी है। बट एक सेकंड में आप लोगों का यहाँ का क्लोज का इन्वायरमेंट दिखाऊँ, तो गेम काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग गेम है, ये साउंड ट्रैक्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे बीचेस में यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो फ्लीट आदि से हम वापस से बात करते हैं। सो वी आर ऑल सेट फॉर विजिटर्स, हाँ वेल डन क्रेटोस, इट्स बीन ऑन लिटिल आर बट यू अचीव सो मच ऑलरेडी, यू रिमाइंड मी ऑफ अ फादर, ही वॉज बॉर्न राइट हेयर ऑन ओलंपस, यू नो। ओके, तो ये तो हमें भी नहीं पता था आज तक कि जो क्रेटोस जो इस गेम में मतलब कैरेक्टर है उसका जो फादर है वो भी इसी आइलैंड पे बॉर्न हुआ था। मीट दोस्त मैन, बट आई एम गेटिंग अ बिट लॉन्ग इन द टूथ क्रेटोस, प्लीज आई वॉन्ट टू टेक द एडवेंचर जॉनर। ओके, सो हमें यहाँ पे कुछ और चीज़ें मिली है। ओके ओके, तो यहाँ पे हमें इस चीज़ के अंदर शायद हमें सब कुछ देखने को मिलेगा, मीन अ लॉट टू मी, बट आई थिंक माई डैड वुड बी ग्लैड इफ समवन लाइक अस इज लुकिंग आफ्टर इट, बट आई हैव अ चैलेंज फॉर यू क्रिएटर्स। चलो चैलेंज के लिए तो हम गेम खेल रहे हैं, आई वॉन्ट टू ट्राई एंड बीट माई फादर्स माइल स्टोन। अच्छा, तो इसके फादर का हमें माइल स्टोन यहाँ पे कि तोड़ना है, तो माइल स्टोन हम तोड़ के रहेंगे। लेट्स सी कि इसके फादर का माइल स्टोन क्या है, डैट वुड बी ईजी टू कम्प्लीट इन जस्ट अ डे, ऐसा कौन सा माइल स्टोन है जो सिर्फ एक ही दिन में टूट जाएगा। यू सरपास, यू विल रिवॉर्ड इट विद परमिट पॉइंट। ओके, आई विल टेल यू वॉट, यू आर गोइंग टू वॉन्ट अ लॉट ऑफ परमिट पॉइंट इवेंचुअली, बट वी कैन टॉक मोर अबाउट इट टुमारो, फॉर नाउ चेक आउट द जर्नल, आई विल थिंक डेट यू विल एक्चुअली कम्प्लीट सम ऑफ द माइल स्टोन इन साइड, सो बी श्योर टू क्लेम इट। नाउ आर यू हंगरी, एम आई, आई थिंक इट जस्ट अ लंच टाइम, आई हैव सीन फूड ग्रोइंग अराउंड दिस आईलैंड एंड द साउंड टेस्टी,
यू गो एंड फाइंड सम फ्रूट्स एंड व्हेन यू गेट बैक आई विल शो यू हाउ टू क्राफ्ट अ कैंप फायर। ओके, तो कैंप फायर के लिए हमें यहाँ पे फ्रूट्स लाने हैं। तो फ्रूट्स के सारे पेड़ों पे क्या हमें एक पेड़ ढूंढना? ओके ओके, मुझे दिख गया। हाँ, तो इस वाले पेड़ पे फ्रूट्स है तो इससे हम ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, होल्ड, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, होल्ड वाइल मूविंग, उठा क्यों नहीं रहा है? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। सो इसका नाम तो बड़ा अजीब सा नाम है, तो बट ये तीसरे वाला क्यों नहीं उठ रहा? तीसरे वाला यहाँ पे उठा नहीं पा रहे, कुछ तो दिक्कत आ रही है। हाँ, उठ गया, तीसरा वाला भी उठ गया। ओके, तो हमें यहाँ पे थोड़े से हमने जो फ्रूट्स और ये जो है ना, ये चींटी का यहाँ पे घर है, तो हम इसे भी आगे तोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे उठा चुके हैं, फ्लीट के पास आ चुके हैं, फ्लीट दादी के पास वापस से, और यहाँ पे हम वापस से बात करना स्टार्ट कर चुके हैं। और यहाँ पे शायद से हम ये कैंप फायर की हमें कुछ देगी, कैंप फायर देगी या कैंप फायर की रेसिपी देगी, जिससे हम कैंप फायर को बना सकें और उसे हम यूज़ कर सकें आगे। फील फ्री टू यूज़ द क्राफ्टिंग टेबल इन द बेस टेंट टू क्राफ्ट अ कैंप फायर। अच्छा, क्राफ्टिंग टेबल से हम कैंप फायर को यहाँ पे क्राफ्ट कर सकते हैं। ओके, सो हमें यहाँ पे एक स्टोन दिया है, सो ये कैसा गिफ्ट? और यहाँ पे हमें कैंप फायर की रेसिपी, हाँ यहाँ पे हमें रेसिपी ही मिली है, और शायद से क्राफ्टिंग टेबल, हाँ ये क्राफ्टिंग टेबल, और हमें ये जो बनाना है वो है ये। सो इसके लिए हमें चाहिए दो गमलॉक्स। सो शायद से अभी मुझे बाहर था तो मैंने काफ़ी सारे गमलॉक्स देखे थे। हाँ, ये जो है ये रहे गमलॉक्स, बट इसको, हाँ अच्छा ठीक, अब मैं समझ गया हमें कैसे उठाना है। हमें इनके ऊपर खड़े होके, बट ये थोड़ा सा ना सही तरीके से नहीं उठा रहा है, जैसे आप देख सकते हो इसको। ओके, तो हमें इसके पास आके थोड़ा सा हमें रुकना होगा शायद, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि हम मूव करते करते भी अगर हम उठा लेंगे सो इट वुड बी गुड, बट ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हम फ्लीट दादी के यहाँ चलते हैं, और ओके हम गलत जगह घुस गए हैं। हाँ, मैं आप चलते क्राफ्टिंग टेबल पे, और यहाँ पे देख सकते हो हमारा यहाँ पे तैयार हो चुका है, कैंप फायर को बना सकते हैं। सो कैंप फायर को हम यहाँ पे क्राफ्ट करते हैं, तो कैंप फायर क्राफ्ट हो चुका है, अब हम चलते हैं बाहर। ओके, हमारे हाथ में शायद कैंप फायर है क्या? नहीं, कैंप फायर हमारी इन्वेंट्री में है, जो हमारा हॉट बार है। सो इसको हम किस साइड लगा सकते हैं? इस साइड ज़्यादा जगह खाली है, बट कैंप फायर हम थोड़ा सा अपने बेस से दूर रखेंगे, क्या पता इससे आग लग जाए। और हाँ, आग से अच्छा याद है कि इसमें हमें आग भी लग सकती है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब देखो, ये देखो हमारे शरीर में आग लग चुकी है, और अगर एक बार आपको आग लग जाए तो आपको इस पानी में जाने की जरूरत है, क्योंकि आप हमारी हेल्थ हो गई तो हेल्थ यहाँ पे कम होती रहेगी। सो हम पानी में जाके अपनी हेल्थ को वापस से सही कर चुके हैं। ओके, तो हमारा शायद से अब हो चुका है इसमें, शायद एक मिनट, हम शायद से जो खाने की चीज़ें हैं इनको भी यहाँ लगा सकते हैं क्या? ओके, हम इंसर्ट कर सकते हैं, हम एक बार में सिर्फ एक ही चीज़ को इंसर्ट कर सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है कुकोने में भी, और बट इसमें आग लगने की यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस है अगर आप देखो तो। यहाँ पे एक कुक हो चुका है, मैं दूसरा इंसर्ट कर देता हूँ, और जो ये वाला है इसको मैं उठा लेता हूँ, और ये जो कुक्ड वाला है शायद से अभी इसे ईट भी कर सकते हैं, बट ईट कैसे? ओके ओके ठीक है, ईट करने के बाद हमारी यहाँ पे हेल्थ फुल हो चुकी है। हमारे पे एक और पड़ा हुआ है ये फ्रूट, तो इस फ्रूट को भी हमें डाल देते हैं, बट मुझे लगा नहीं था कि हमें हर एक फ्रूट को ना यहाँ पे कुक करके ऐसे खाना पड़ेगा। सो यहाँ पे ये हो चुका है, इसके बात क्या करना है यहाँ पे हमारे पे? क्या हमें वापस से फ्लीट दादी के पास जाके कुछ यहाँ पे बातचीत करनी है? आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद योर वर्क, यू हैव डन हेयर टूडे गुड ग्रेट हाउस, आई थिंक देर इज अ ग्रेट फ्यूचर, वी विल बी हेयर एट ओलंपस, हेयर इज अ गिफ्ट फॉर हेल्पिंग मी आउट सो मच। सो यहाँ पे हमें कुछ एक और मिला है, एक बग नेट मिला है, आई थिंक यू शुड टेक सम ऑफ रेस्ट, मे बी यू कैन गो सम कैच बग्स अराउंड। ओके, तो हमें यहाँ पे अब जो बटरफ्लाइज है या जो बाकी और भी काफ़ी सारे जो बर्ड्स हो गए या फिर जो इंसेक्ट हो गए, हम इन्हें भी कैच कर सकते हैं। आई विल फिगर आउट समथिंग टू डू, आई एम श्योर यू विल। वह है बिफोर आई फॉरगॉट टेक द स्लीपिंग बैग टू व्हेन यू गेट टायर्ड पॉपुलेट ऑन द ग्राउंड। ओके, तो हमें यहाँ पे एक स्लीपिंग बैग मिल चुका है, तो जब जब हमारे प्लेयर की यहाँ पे हालत ख़राब होगी, हेल्थ डाउन होगी या स्टेमिना कम होगा, तो हम स्लीपिंग बैग पे सो के अपनी हेल्थ को वापस से रिकवर कर सकते हैं। और स्लीपिंग बैग पे जैसे ही हम सोएंगे तो हमारी जो गेम है वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव हो जाएगी। और हमें यहाँ पे मिल चुका है एक बग नेट, और बग नेट के साथ साथ एक स्लीपिंग नेट। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, स्लीपिंग बैग जो मिला है, सॉरी फॉर दैट, नेट नहीं है, स्लीपिंग बैग को हम अपने टेंट के अंदर लगाते हैं। सो टेंट में इधर कोने से तो चिपका के लगाते हैं, ठीक है, हमें और भी चीज़ें लगानी है, और हमारा जो घर है वो काफ़ी छोटा दे रखा है। पर ये रहा वो बग नेट, तो आसपास कुछ दिख रहा है, एक बग मुझे दिख रहा है, मुझे पता नहीं बग को पकड़ना कैसे है। अच्छा, ठीक है, ये डिफ़िकल्ट नहीं है। तो हमने यहाँ पे पकड़ लिए ब्लू मून बटरफ्लाई। ओके,
ये लिए को रहा है हमारे पास पास। ओके मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ये। ओके हमने यहाँ पे एक और पकड़ ली है, स्कारलेट बटरफ्लाई, बाकी तो पता नहीं जो बीच में जिससे नाम था। सो हमने यहाँ पे दो बटरफ्लाई पकड़ लिया, हमें यहाँ पे एक और बटरफ्लाई अपने घर के आसपास दिख रही है तो मैं इसको भी पकड़ लू। अरे अरे गाइस मैं ऊपर से गिर गया ना, ये वाली बटरफ्लाई भी हमें मारी थी। वेट यार ये इतनी इतनी जल्दी जल्दी कैसे अपने डायरेक्शन बदल रही है, पता लग गया ना इसकी, बाकी दो साथी को पकड़ लिया है। बट यहाँ पे हमें यूलिसिस बटरफ्लाई भी हमें यहाँ पे देखने को मिली, और बटरफ्लाई हमारे बैग में, तो क्या हम बटरफ्लाई को भी यहाँ पे कुकर की खाएंगे क्या? लेट्स ट्राइट आउट इस वाली बटरफ्लाई को। नहीं सो इस बटरफ्लाई का देखो क्या बॉक्सेस से बने आ रहे हैं, तो क्या एक मिनट थोड़ा मैं साइड में चल के देखता हूँ इन बॉक्सेस का हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो हम बटरफ्लाइज को इन बॉक्सेस के अंदर हम एक एक करके रख रहे हैं, तो ठीक है हमें एक और नहीं लगा सकते क्या CMC के ऊपर? अच्छा हम लगा सकते हैं, डेट्स गुड। और हमारे पास एक और पड़ी है यूलिसिस, सो यूलिसिस को मैं लगा लेते हैं। अब प्लेस स्लीपिंग बैग एंड गेट सम रेस्ट। और तो हमने वैसे मैं चलो स्लीपिंग बैग में सोने से पहले मैं आप लोगों को थोड़े और चीज़ें आसपास की मैं कुछ चीज़ों के बारे में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे और बटरफ्लाईज है ना, तो हम और इनको कैच करते हैं। कॉट अ ब्लू मून बटरफ्लाई, और हाँ इसमें हमें जनरल मिला था, मैं आपको वो जनरल दिखाता हूँ कि हम कह देते हैं ये हमारा बैग है, बट हम जनरल वो खोलेंगे कैसे। ओके ठीक है, सो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारे देखो माइलस्टोन है, जो डेली माइलस्टोन है, हम इनको जब कंप्लीट करेंगे तो जो टिकट्स हैं हमें ये टिकट्स यहाँ पे मिलेगी, तो हमें इसके लिए 3 बुश लाइम को हमें यहाँ पे कलेक्ट करना है। ओके इसके अलावा टास्क है जो हमें स्लीपिंग बैग दे रखा है, टास्क हो गया उसका। पीडिया में एक तरीके का ये विकीपीडिया ही है जहाँ पे फिश हमने कितने कलेक्ट किए, बक्स जितने हमने कलेक्ट करे हैं वो है 40 बक्स है, जिसमें हमने टोटल सिर्फ अभी तक 3 बक्स कलेक्ट करी है। और इसके अलावा माई डिटेल्स है जहाँ पे हर प्लेयर की कुछ नहीं, यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें हैं जिनका लेवल अभी फिलहाल सब 0 है। वहाँ पे जो अभी डिंक्स है इसमें जो करेंसी है वो डिंक्स है, वो है हमारे पास 250। और यहाँ पे एक लाइसेंस भी है, लाइसेंस का यहाँ क्या सीन है कि आपको कुछ भी काम अगर करना है तो उसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत है, और लाइसेंस के लिए हमें इन पॉइंट्स की जरूरत है, मेरे को इन पॉइंट्स का नाम नहीं पता बट हमें इन पॉइंट्स की जरूरत है। इसके अलावा फोटोज़, ये एनिमल्स में जो जो एनिमल हम टेम करेंगे यहाँ पे वो एनिमल्स हमें देखने को मिलेंगे। बट हमें माइलस्टोन में शायद से एक्सप्लोरर, ओके हमें यहाँ पे इनको कलेक्ट करके हमें जो ये टिकट्स हैं हमें ये टिकट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और इसके अलावा एक कैंपर वाला भी है, तो हम इस कैंपर वाले को भी कलेक्ट कर लेते हैं। तो टोटल अभी हमारे पास हो चुके हैं 275, हमें 30। और जो बुश लाइम है इस बुश लाइम को देखते हैं कि देखा दिख गया शायद यही है बुश लाइम वो, बट इनको हार्वेस्ट करने में मैं शायद से अभी थोड़ा सा मेरे को दिक्कत आ रही है, या तो इसमें एक तरीके का हमारे पास निशान हो तो इट वुड बी मच मोर ईजियर फॉर अस, शायद से मैंने उठा लिया थी। तो हमें जो जो मिल रहा है ना सारा सामान उठाते चलते हैं यार। हमें एक और यहाँ पे बटरफ्लाई दिखती हुई, सो ये कौन सी बटरफ्लाई है? ब्लू मून बटरफ्लाई, तो ये ब्लू मून वाली बटरफ्लाई जो हमें काफ़ी सारी मिल रही है। ओके सो हमें टेंट के पास ही आ चुके हैं, यहाँ पे गमलॉक काफ़ी सारे पड़े थे, तो पास वाले जो गमलॉक्स हैं इनको तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। और हमारे पास यहाँ पे कितनी दो बटरफ्लाई और हैं, सो मैं दो बटरफ्लाईज को इनको भी आसपास अपने यहाँ पे जो जो हमारे जगह खाली पड़ी है हम इनमें इन बटरफ्लाईज को यहाँ पे रख देते हैं। इस वाली बटरफ्लाई को हम इसके ऊपर, और यहाँ पे शायद से ये क्या चीज़ है? अच्छा, ये अपने जो फ्रूट यहाँ पे कुक करा था ये वो फ्रूट है। तो इसके अलावा हमारे पास कुछ और फ्रूट भी यहाँ पे अवेलेबल हैं हमारे पास, तो हम इनको भी यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं और हम इन सब चीज़ों को कुक करके हम रख लेते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं है कि अगर हम इन्हें कुक करके रखेंगे तो बाद में ये ख़राब हो जाएंगे। ओके तो यहाँ पे एक कुक हो चुका है, तो उनको कुक होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, सो चलो मैं इनको भी कुक कर लेता हूँ। फिर इसके बाद हम चलते हैं सोने के लिए और देखते हैं कि अगले दिन हमें पे क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। जब तक मैं, अरे रिशिट शिट मैं आग के ऊपर से गया अभी फालतू में, हमारे प्लेयर की यहाँ पे हेल्थ गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। मैंने सोचा हम बहुत गलत जगह रख रखा है कैंप फायर, मैं इसकी जगह मेरे को थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। नहीं नहीं वापस चढ़ जाऊँगा जिस तरीके से मैं जा रहा हूँ। ओके सो ठीक है, मैं पहले ना इसकी जगह जो है गाइज मैं इसकी जगह को जरा बदल रहा हूँ, क्योंकि इसकी जगह जिस तरीके से मैंने रखी हुई है ना, तो जैसे जैसे ही मैं चढ़ रहा हूँ हल्का फुल्का भी तो उतने में ही आग लग जा रही है। मैं इसको इस कोने पे रखता हूँ ना, बस अब ठीक है उस कोने पे, उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और अब हम चलते हैं स्लीपिंग बैग में सोते हैं और अपना दिन को देखते हैं, ख़त्म करते हैं। अरे शिट मेरे को, वेट क्या हुआ इसे, ये रैक हो गया यहाँ पे।
अच्छा तो ओके ओके ओके, मेरे को इसे उठाना नहीं था, मेरे को ले डाउन करना था। कॉल इट अ डे, स्लीप अंटिल टुमारो। चलो स्लीप अंटिल टुमारो कर लेते हैं, क्योंकि आज के जो हमारे जितने भी मिशंस हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अबे बग कैचिंग में हमने ये 5 टाइप की बटरफ्लाई कैच की है, फॉर्जिंग में भी थोड़ा सा यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ है। डिंग्स जो हमने ऑन करे हैं वो 0, ये हमारा पहला डे था तो उसमें 0 डिंग्स हमने ऑन करे हैं। सो चलो पहले दिन के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। जैसे कि मैंने बताया था कि आप जैसे ही इस गेम में सोओगे तो अपना गेम सेव हो जाएगी। ओके सो यहाँ पे डे 2 आ चुका है, और शायद से अब जो जॉन है वो जॉन जॉन भी यहाँ पे आ चुका होगा। सो यहाँ पे देखो भाई, ये जॉन का टेंट भी यहाँ पे लगा हुआ है, तो एक बार हम जॉन से आके मिल के आते हैं। सो जॉन यहाँ पे, हाँ आई वॉज राइट कि यहाँ पे देखो जॉन के पास काफ़ी सारे वेपन्स हैं। वेपन्स क्या, इट्स अ तरीके से इक्विपमेंट्स कहेंगे। अरे ये क्या हुआ, अच्छा यहाँ पे ग्लिच हुआ गेम अभी। क्या अर्ली एक्सेस में तो थोड़े से हमें ऐसे ग्लिचेस देखने को यहाँ मिलेंगे। अब फ्लिच दादी से हम यहाँ पे बात करते हैं, देखते हैं आज क्या है हमारे लिए यहाँ पे। ड्यू टू हैपन टू सी द जॉन हेयर सेटअप इज नेट, तो हम इससे पहले घूम के आ चुके हैं। ही हेल्प टू गेट स्टार्टेड हेयर, ही साउंड इम्प्रेस्ड। जॉन ट्रेड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग बैक टू साउथ सिटी। ओके सो ही विल वाइट फ्रूट फिश लॉट ऑफ यूजफुल टोली कैर अकाउंट माइनिंग लाइसेंस लॉगिंग टूल्स एंड इवन सम फिशिंग इक्विपमेंट। ऑल दो प्रोबेबली कैन नॉट सेल अ लॉट ऑफ टूल अंटिल यू हैव अ लाइसेंस इन ऑर्डर। यू नो अबाउट लाइसेंस राइट? सो इस लाइसेंस यार मैंने आपको पता है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमें हर चीज़ के लिए एक लाइसेंस चाहिए। तो ये वही चीज़ है कि हमें यहाँ पे कुछ भी काम करना है तो हमें उन सारी चीज़ों के लाइसेंस चाहिए। हमारे पास 305 है, तो शायद से हम कुछ यहाँ पे जो लाइसेंस है वो लाइसेंस को हम यहाँ पे एक्वायर कर सकेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पे फ्लीट दीदी के पास आना है, और इनको कहते हैं गाइज हम परमिट पॉइंट्स। सो अब हमें इनका नाम पता चल चुका है, ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे परमिट पॉइंट्स। सो ये कुछ लाइसेंस है, तो इनमें से हम क्या लाइसेंस हम ले। लॉगिंग के लाइसेंस के लिए अलाउ द होल्डर टू बाय एक्सेस एंड चॉप डाउन ट्रीज, और माइनिंग के लिए हमें पिकेक्स मिलेगा। ओके तो पहले हमें यहाँ पे ना, वैसे एक बार मैं बाकी भी देख लेता हूँ, क्या पता हम जल्दबाजी कर रहे हो इसके लिए। फिशिंग है, एक्सपेशन है, हंटिंग है, फार्मिंग है। सो हम लॉगिंग वाला लाइसेंस यहाँ पे एक्वायर कर लेते हैं, और यहाँ पे हमें एक लाइसेंस जो है वो मिल चुका है। सो वहाँ पे और यहाँ पे परमिट पॉइंट नहीं है, तो हम यहाँ पे एक ही लेना पड़ेगा। और इसके अलावा मैं अगर आप लोगों को दिखाऊँ हमारे जनरल में, हमारे जैसे डिटेल्स में जो मैं आपको लाइसेंस बोल रहा था, तो देखो लाइसेंस हमारे पास यहाँ पे एक लाइसेंस हमने एक्वायर कर लिया है। और जॉन कुछ भी चीज़ को ले सकता है ना, तो हम एक काम करते हैं, जो ये सारी हमारे पास ये सारी बटरफ्लाइज हैं, हम सारी बटरफ्लाइज को उठा लेते हैं और देखते हैं कि अब क्यों बटरफ्लाई को हम कुक करके तो खा नहीं सकते। तो बटरफ्लाई अगर हम बेच सकें, पहले हम जॉन से बात करते हैं। सो यू मस्ट बी क्रिएटर्स, यस ही टोल्ड मी अबाउट यू वर द गेटिंग थिंग्स सेट अप इन दिस प्लेस, थैंक्स फॉर दैट। आई हैव अ फीलिंग वी विल डूइंग अ लॉट ऑफ बिजनेस टुगेदर। ओके अबाउट एनी थिंग यू आर इंटरेस्टेड नाउ, आई मेक मोस्ट ऑफ डिंग सेलिंग एक्सोटिक थिंग बैक टू साउथ सिटी। अच्छा तो गाइस ये यहाँ से हमसे जो सामान खरीदेगा वो साउथ सिटी में जाके बेचेगा, जैसे कि हमने पहले बताया था कि ये ट्रेडर है। सो ये वैसे ही हेल्प करेगा, तो देखते हैं हाउ कैन आई हेल्प यू। वो सेल गुड्स, हाँ सेल हम कर सकते हैं, तो देखते हैं हम क्या क्या चीज़ उसको बेच सकते हैं। शो मी व्हाट यू हैव, तो यहाँ पे बटरफ्लाईज है, ये सारे सारे बटरफ्लाई हम बेच देते हैं, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। हम ये सारी बटरफ्लाई बेच देते हैं, और ये गमलॉक भी बेच देते हैं, और देखते हैं हमें इसके लिए कितने डिंक्स देगा। सो लेट्स सी, ये तो काफ़ी ज़्यादा बेकार बेकार सामान है, मेरे को लगता है इसे कुछ 100 से ज़्यादा डिंग्स ये देगा हमें। सोचने में इसे कुछ ज़्यादा ही टाइम लग रहा है, ऐसा क्यों, क्या ये 100 भी नहीं देगा हमें? देखो गाइस मिनिमम अगर ये 100 देगा तो मैं इसे अभी बेच दूंगा एकदम से, क्योंकि पता है ये यूजलेस थिंग्स है। बट हाँ ऑल अप आई कैन ऑफर यू गाइस, ये 2620 डिंग्स दे रहा है हमें इस फालतू की चीज़ के। सो विदाउट सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम सीधा सीधा इसको बेच देंगे। सो हमें यहाँ पे मिल चुका है, और अब हम इस हमारे पास अमाउंट हो चुका है, आप देख सकते हो डिंग्स हमारे पास 2800। तो इसमें हम ये क्या चीज़ें हमारे पास, ये 5000 की है, और यहाँ पे हमारे पास एक एक्स भी है, तो क्या हम एक्स को खरीद सकते हैं बाय अ बेसिक एक्स। हमने लाइसेंस लिया था, शायद से हम यहाँ पे बेसिक एक्स को खरीद सकते हैं। डेट विल बी 1000 डिंग्स, सो खरीद लेते हैं इसे। पिकेक्स अभी हम खरीद के भी हम शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर लाइसेंस नहीं है पिकेक्स का। और इन सारे आप देखोगे तो जो इसमें इक्विपमेंट्स हैं उनकी हेल्थ है, तो हमें हेल्थ पे भी ध्यान देना है।
अब हमें वापस से फ्लीट के पास चलते हैं, फ्लीट दीदी के पास, दादी के पास, कि क्या उनके पास है। इस करंटली नॉट एक्सेप्टिंग डोनेशन, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। सो अब हमें क्या करना है यहाँ पे आज? शायद से हमारा इन्वेंटरी एकदम टोटल खाली है। ओके, हमारे यहाँ पे है बाय न्यू टूल, हमने ये कंप्लीट कर लिया। क्विक कुक टू फूड, कुक समथिंग एट द कुकिंग टेबल। शायद कुकिंग टेबल मैंने क्राफ्टिंग टेबल के इसमें देखा था शायद से। हाँ, ये तो हमारी क्राफ्टिंग टेबल है और ये हमारी कुकिंग टेबल, जिसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, पाम वुड प्लैंक, नेल्स, टिन बार और टिन शीट। तो इस चीज़ का तो हमें कुछ भी आइडिया नहीं कि ये सारी चीज़ें हमें कैसे मिलेगी, तो शायद हमें ये फ्यूचर में मिलेगी, अभी के लिए हमारे लिए नहीं है ये। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ना आस पास की पेड़ वेड़ काटते हैं और बटरफ्लाइज को कैच करते हैं। हमें वो फ्रूट्स की लाने हैं ना, तो हमें फ्रूट्स का भी ध्यान देना होगा। पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि हम इस पेड़ को चॉप कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पे एक दिक्कत हो गई है, मैं ना जो इसको मैं कर देता हूँ सेकंड पोजीशन पे, सेकंड पे भी नहीं, हम इसको कर देते हैं फिफ्थ पोजीशन पे। और लेट्स चॉप डाउन द ट्री। देखो अब एक्स की जो हमारी हेल्थ है वो हेल्थ भी यहाँ पे कम होती रहेगी जैसे जैसे हम इसको यहाँ पे यूज़ करते रहेंगे। तो ट्री से शायद से हमें यहाँ पे गम लॉक्स, हाँ हमें यहाँ पे गम लॉक्स ही देखने को मिले हैं। वैसे खास इनको तो ना खुद ही इनको ना सही तरीके से अपने आप उठा लेना चाहिए। यार पेड़ भी काट देता हूँ, हमारे घर के पास है, घर के आकर के थोड़े पेड़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ और फिर इन कम्स को मैं जाके वापस से जॉन को बेच देता हूँ। ये जॉन इनके शायद अच्छे खासे पैसे दे रहा और थोड़ी बटरफ्लाई भी, अगर हम थोड़े और बटरफ्लाई भी अगर हम यहाँ पे कैच कर लेते हैं सो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और इस वाले पेड़ को हम काटते हैं लास्ट, और शायद हम जो फ्रूट्स हैं हम फ्रूट्स को लेके आते हैं, क्योंकि ताकि जो हमारा आज का डेली मिशंस है वो हमारे डेली मिशंस यहाँ पे कंप्लीट होते रहें। यहाँ पे क्या पड़ा है, यहाँ पे गम, ओके यहाँ पे गम नट भी है। शायद से हम इसके फार्मिंग में हम शायद से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ओके अब थोड़ी सी हम बटरफ्लाई को यहाँ पे कैच करते हैं। यहाँ पे एक हमें दिखती हुई, बहुत जल्दी चलाया हुआ, अरे ये तो मुंह के सामने पट से पकड़ के नहीं पा रहा मैं। हाँ सो ये भी शायद यूलिसिस सेमिकुला है, ये भी ब्लू मून वाली बटरफ्लाई ही है। पर चलो यहाँ पे इसको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। क्या हम डॉग को इससे मार सकते हैं, डॉग कैच कर सकते हैं ना? सो हम डॉग को इससे यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते कैच। और यहाँ पे शायद हमें आसपास कुछ और बटरफ्लाईज भी नहीं दिख रही है, एक बटरफ्लाई हमें इधर की साइड दिखी है। हमें ध्यान रखना पानी से जितना दूर रह सके उतना दूर रहने की। अरे ये तो मुँह के सामने तो मैं इसे पकड़ क्यों नहीं पा रहा। ओके सो चलो आसपास हमारे यहाँ पे कोई मगरमच्छ नहीं है। यहाँ पे अब हमें वो फूड चाहिए ना, मैं एक बार चेक करता हूँ अपनी क्या है हमारे से। ठीक है, हमें कुक टू फ्रूट तो अच्छा, हमें कोई से भी फ्रूट से जरूरत है, बट हमने सारे के सारे फ्रूट हमने कल वाले दिन पे ही अपने सारे के सारे बना लिए थे। यहाँ पे आसपास मुझे और यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। इस बार हम दूसरे चलते हैं, शायद सामने ये वाला जो पेड़ है इस पेड़ में शायद से हैं, ये वो वाला पेड़ है जिससे हमने पहले यहाँ पे निकाल लिए थे। ओके तो इस वाले पेड़ में भी नहीं, और ये रहा एक पेड़ और मिलता हुआ जहाँ पे हमें काफ़ी सारे मिल चुके हैं। तो इनका नाम केवल नाम पढ़ते हैं इनका, हम बुश लाइन। यहाँ पे इन्हें कर्जर देना चाहिए इन्हें, ताकि जो पॉइंट करने के लिए थोड़ा सा हमारे लिए आसान रहे। तो अब हम इसको यहाँ पे करते हैं क्राफ्ट, मतलब सॉरी बोल रहे क्राफ्ट नहीं, अब हम करते हैं इसे कुक। शायद हम नीचे से यहाँ नहीं डाल सकते ना, बट हमें इसे कुक क्यों नहीं कर पा रहा क्या मैं? अरे वहाँ पे कुक का ऑप्शन ही नहीं आ रहा इसके पास यार, ये क्या बात है। यूलिसिस एक और यूलिसिस, शायद ये भी ओके इट्स अ ब्लू मून बटरफ्लाई। हम पहले यहाँ पे ना कुक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुक तो देखो इसे होना चाहिए था, वो भी काफ़ी इजी। या मैं डाल चुका हूँ क्या वो मेरी? अच्छा ठीक है, वो पैक के अंदर हमारे आगे में। ओके तो मैं यहाँ पे जो कुक्ड वाले थे मैं कुक्ड वालों को डालने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे ये नहीं आ पा रहे थे। सो इसको मैं इधर ले लेता हूँ, कुकड वालों को हम बैग में डाल लेते, क्योंकि बैग अभी उनकी ज़रूरत नहीं है हमें।
तो इसको यहाँ से इंसर्ट इंसर्ट करने के लिए ऊपर चढ़ना ही चढ़ना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट एक चीज़ है, इंसर्ट होने के यहाँ से अगर पीछे साइड से नीचे गिरते हैं तो हम आग से थोड़ा दूर रहेंगे ताकि जब हम इसे उठाएं तो हमें आग ना लगे, बट ये हमारे बिल्कुल कदमों के पास ही गिरे हैं। तो तीनों को हम यहाँ पे कर लेते हैं ताकि जो आज हमारे कुछ मिशन है वो कम्प्लीट हो जाए, क्योंकि क्राफ्टिंग टेबल हम यहाँ पे नहीं बना सकते हैं अभी फिलहाल के लिए। और जो हमारी हेल्थ है वो दोस्तों आप हगाई, हेल्थ भी हमारी काफ़ी कम हो चुकी है, तो इन दोनों का हम उठा लेते हैं। जो तीसरा वाला बुश लाइन है, बुश लाइन भी आ चुका है, इसे हम उठा लेते हैं। और कोई आसपास और बटरफ्लाई है क्या हमारे, एक बार हम जरा आसपास आँख घुमा के देखते हैं तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, हम जॉन के पास जाते हैं और आज जितना भी हमने सामान कलेक्ट करा है ना ये सामान हम बेच देते हैं। ऐसे हम कुछ और सामान भी यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं अभी भी। तो चलो एक बार हम एक राउंड और यहाँ पे मारते हैं, और थोड़ी जब तक हमारी हेल्थ कम नहीं होती हम यहाँ पे कुछ और गमलॉक्स हो गए ये जो सामान है वुड्स इन सबको। वैसे मैं अपने घर के पास से इसको ना उठा के अगर मैं दूर जाके उठाऊँ तो उस चीज़ का फ़ायदा रहेगा, क्योंकि हमें देखो गमलॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, वुड की हमें देखो हर एक गेम में ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो हम दूर से जितने भी गमलॉक्स हैं हम दूर वाले गमलॉक ले आते हैं ताकि जब हमें अर्जेंट में ज़रूरत पड़े तो हमारे पास में हमारे पास गमलॉक्स अवेलेबल हों। वट इज़ दिस रूपू, वट इज़ दिस रूपू, शायद ये कैंगरू की टट्टी है शायद से। तो मैं इसको डाल देता हूँ, जॉन क्या इसे भी खरीद लेगा? वेयर इज जॉन, आर इन जॉन हम तुम्हारे पास। चलिए गमलॉक तो अभी रहने देते हैं, हमारे जो घर के आसपास के जितने भी गमलॉक्स हैं अब हम जॉन को ये सब बेच देते हैं। कैंगरू की पूबी सेल गुड्स, ऑल राइट शो मी व्हाट यू वांट। तो एक ये बटरफ्लाई, तीन ही बटरफ्लाई हमारे पास, ये क्या है गमनट भी बेच देते हैं हम, 15 गमलॉक्स, और ये रूपू सब बेच देते हैं और देखते हैं इसके कितने देता है ये। पिछली बार बकवास सामान के इसने हमें 2800 डिंक्स दिए थे और इस बार ये हमें दे रहा है 3125। मेरे को लग रहा है पागल हो गया है जॉन इन फालतू तो सामान के इतने पैसे देते हुए, और शायद हमारे 5000 हो चुके हैं। ओके हमारे 5000 थोड़े कम है, तो एक काम करता हूँ मैं थोड़े और इकट्ठे करता हूँ, जो गमलॉक हमारे ये हम उन बोन्स को भी उठा सकते हैं और शायद। बट बोन्स का काम क्या रहेगा हमारे पास, मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि बोन्स हमारे किस काम की है। यहाँ पे कुछ और बोन्स पड़े हैं, इनको हम नहीं उठा सकते, आगे वाले बोन्स को हम उठा सकते हैं, इन गमलॉक्स को उठा लेते हैं, इनको हम नहीं काट सकते ना अभी शायद, इनके लिए हमें शायद पिकेक्स की ज़रूरत है। हाँ ओके, तो 5000 कर लेते हैं ताकि जो एक यहाँ पे येली डिवाइस है ना आप देख सकते हो, ये वाला टेबल सॉ, टेबल सॉ से हम जो वुड्स से अगर हम वुड्स को कट करके बेचेंगे तो उससे हमें शायद से थोड़े और महंगे मिलने चाहिए उसके पैसे, तो वो हमें हमें थोड़ी देर में पता लग ही जाएगा कि हमें ज़्यादा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बट हाँ ये दोनों के दोनों इसको भेज देता हूँ, इसको भेज देते हैं, और ये क्या चीज़ है कुक्ड फूड है, तो कुक्ड फूड को अभी हम यहाँ पे नहीं बेचने वाले हैं। सो लेट्स सी इस बार ये हमें कितना देगा, अगर हमें 1000 भी दे दे तो बहुत है, और 275 ठीक है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं, मुझे 5000 ही करने थे। तो 5000 यहाँ पे हमारे हो चुके हैं, अब हम इस यहाँ पे एक ये सॉल ले लेते हैं। ओके डेट्स टेबल सॉ इन ऑयल, ओके डेट विल बी 5200। ओके हमारे पास एग्जैक्ट इतना ही पैसे हुए हैं, थोड़े से ज़्यादा पैसे हैं बस हमारे पास। सो अब हम यहाँ पे हमने ले लिया है टेबल सॉ, अब हम टेबल सॉ को भी कहीं पे लगाते हैं। हमारी इन्वेंटरी के अंदर टेबल सो आ चुका है, बट मुझे इसको 3 से हटाना पड़ेगा, क्योंकि देखो दिक्कत ये है कि जो मेरे कीबोर्ड का 3 वाला बटन है वो 3 वाला बटन काम नहीं कर रहा है। तो 3 वाले बटन पे मैं उस चीज़ को रहता हूँ जिसे हम यूज़ नहीं करेंगे, और इस साइड हमारे पास काफ़ी सारी जगह है। सो बट ये मूव कर किस साइड से काम रहा है, हाँ अब ठीक है, ताकि हम एक साइड से वुड डालें, बट इसके लिए हमें वुड लानी पड़ेगी। मैं ट्राई करता हूँ कि वुड और जो प्लैंक्स हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एक मैं इस पेड़ को, ये बड़ा वाला पेड़ है, इस बड़े पेड़ को काटते हैं हम, बड़े पेड़ से हमें यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिलेंगे, और यहाँ पे हमारी हेल्थ भी देखो गाइस काली होती जा रही है, तो वो भी एक दिक्कत वाली बात है। तो मैं काम करता हूँ कि यहाँ पे हमारी जो हेल्थ है देखो गाइस हमारी, हमें हमारा जो स्टेमिना पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, तो हमें यहाँ पे अब सोने के लिए ही जाना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारा यहाँ पे स्टेमिना जो है फुल होगा। बट ये शायद से अपना घर नहीं है कि हम इस घर के अंदर क्यों नहीं जा पा रहे। ओके हम इस घर के अंदर जा चुके हैं, सो मैं यहाँ पे सो जाता हूँ, क्योंकि अगर हम नहीं सोएंगे तो यहाँ पे हमारी हेल्थ वापस से फुल नहीं होगी। तो गाइस चलिए मिलते हैं हम वहाँ पे आप अगले दिन।
सो यहाँ पे डे टू के एंड में हमने यहाँ पे टोटल 6020 डिंग्स अर्न करे हैं, जिसमें शायद हमने कुछ भी सेव नहीं करा है। हाँ, वहाँ पे सिर्फ टोटल 70 डिंग्स रिमेनिंग है, तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे जैसे हम काम करेंगे सो उसके साथ साथ हमारी जो स्टैमिना है वो भी कम होगा, काफ़ी जल्दी कम हो रहा है। सो जो वुड्स हमने काटे थे वो वुड यहाँ पे गायब हो गए। नहीं, ये रहा ना बॉटल ट्री वुड। अच्छा, इस वुड के नाम ही अलग है, और इस वुड से तो हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दो ही वुड देखने को मिल रहे हैं, तो ये वाला हमारे काम का नहीं रहेगा। हमें ये वाले काटने ताकि हम देख सकें कि हमें कितने मिल रहे हैं, एक वुड को बेचने में और फिर एक प्लैंक को बेचने में हमें कितना मिल रहा है, हमें इस चीज़ को यहाँ पे चेक करना है। सो इसमें से हमें कितने गम लॉग मिले, इसमें से हमें मिलते हैं 3 गम लॉक्स, ज़्यादा नहीं है बट हाँ चलो कोई नहीं। अब हम चलते हैं अपनी शॉप पे और इसको इंसर्ट करते हैं। ओके, तो चलो मैं काम करता हूँ, एक 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 रखता हूँ, ठीक है, ज़्यादा हम नहीं रखेंगे यहाँ। और मैं अब इसको सिंगल सिंग इसको भी मैं काट दूँ क्या यार, को चल छोड़ो कोई नहीं, हम सीधा चल के देखते हैं कि इसके जॉन कितने देता है दोनों के, फिर हम अलग अलग करके देखते हैं कि हमें किस में फ़ायदा हो रहा है। वैसे मेरे ख्याल से प्लैंक्स में फ़ायदा होना चाहिए बट कितना ये एक देखने वाली बात रहेगी। तो मैं इसको सेल कर लेता हूँ, 2 लॉग है ये, सो एक लॉग पड़ता है 100 का। जस्ट गिव मी, आई विल जस्ट गिव यू, थैंक यू फॉर विजिटिंग चांकस। जॉन भाई एक बार और आपसे बात करनी है हमें, और इस बार हम आपको बेचने वाले हैं प्लैंक। तो प्लैंक का कितना देंगे जॉन भाई हमें, लेट्स सी ऑल अप आई कैन ऑफर। अच्छा, प्लैंक के हमें 50 ज़्यादा मिलते हैं, तो चल अगली बार से मैं यहाँ पे प्लैंक्स बना के ही बेचेंगे, वुड्स को डायरेक्ट ही बेचने का कोई, और प्लैंक्स में इतना टाइम भी नहीं लग रहा है बनाने में। और शायद से आज के हमारे जो मिशंस हैं उन मिशंस को भी हम एक बार चेक अभी नहीं कर सकते। मैं कहाँ भरता हूँ, जो ये गम लॉक्स हैं इन गम लॉक्स को भी मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर लेता हूँ प्लैंक्स में। और हमारे जो दूसरे टाइप की जो वुड है पॉटल ट्री वुड, ये शायद से थोड़ी सी और महंगी बिकनी चाहिए। गमलॉक सब उठा लेते हैं, कुछ बचा, सब उठा लिया हमने। और अब हम चलते हैं यहाँ पे फ्लीट दादी के पास, क्या इनके पास हमारे कुछ ऐसा काम है। ओ क्रेटोस, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट, आई नॉट इट जॉन इज सेलिंग अ टेबल सॉ, दैट्स अ टूल आई थिंक यू विल बी वेरी हैंडी इन डेट, यू शुड ट्राई एंड मेक सम गुड मनी बाय। तो यहाँ पे ये हाफ टिंग्स हमें फ्लीट दादी देने वाली थी, बल्कि हमने यहाँ पे खुद ही जमा करके हमने अब ये खरीद लिया। अब हमें इसको वापस तो नहीं खरीदा ना, मैं बस अगर इसको उठा के, अब उठ जा भाई उठ जा, अगर मैं इसे उठा के ले जाऊं फ्लीट दादी के पास तो उनको कोई दिक्कत तो नहीं ना, क्योंकि मैं इसे पहले खरीद चुका हूँ, या फिर हमें एक और यहाँ पे 100 खरीदनी पड़ेगी। सो यू बॉट द टेबल सॉ, यस वेल डन क्रेटोस, डोंट यू थिंक जॉन इज हेयर इज ग्रेट, यस कन्विंस जॉन टू मूव हेयर परमानेंटली। ओके, सो हमें यहाँ पे जॉन को कन्विंस करना है ताकि वो परमानेंट यहाँ पे रह सके। द टेबल सॉ इज अ ग्रेट फर्स्ट स्टेप, फ्रॉम नाउ यू टू हैव अ ब्रेक, कम बैक एंड टॉक टू मी व्हेन यू आर रेडी। सो इसने ब्रेक दिया बट हम तो भी रेडी हैं, कुछ ऐसे काम को है नहीं वहाँ पर। अनदर जॉब फॉर यू क्रेटोस, यस अप्लाई तो अभी लाइसेंस में हम कर नहीं सकते हैं। आई विल टेल यू वॉट आई थिंक, कैंपिंग इज फन बट यू हैव गोइंग कन्विंस पीपल टू स्टे हेयर ऑन ओलंपस, वी कैन स्टार्ट बिल्डिंग मोर परमानेंट स्ट्रक्चर। आई डोंट, देयर आर लॉट ऑफ टिन ओवर ऑन द आइलैंड, आई हैव सीन इट पॉपिंग आउट ऑन द रॉक ऑल ओवर द प्लेस, मेल्टिंग डाउन द टिन ओवर इनटू ग्रेट स्टफ फॉर बिल्डिंग। अच्छा, तो मैं यहाँ पे हमें स्मेल्टर की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए हमें कैंप फायर, 3 स्टोन और 10 टिन ओर्स। बट मैं सोच रहा हूँ हमें उसके लिए हमें, हाँ, माइनिंग लाइसेंस, मेरे को यही लग रहा था माइनिंग लाइसेंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए हमारे पास परमिट पॉइंट काफ़ी कम है, तो हमें यहाँ पे परमिट पॉइंट को इकट्ठे करने हैं। सो पहले काम करता हूँ मैं, इसको हमने जो सॉ अपनी उठाई है इस सॉ को मैं इधर ही लगा देता हूँ, इसको रोटेट, सॉरी बोलेट, हमें इसे रोटेट करना था, थोड़ा सा और पास कर नहीं सकता, चलो हमें यही लगा देते, इससे ज़्यादा पास नहीं। सो वुड्स हमारे पास कुछ यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो एक काम करते हैं, मैं जाके ना जो वो पिकेक्स है, पिकेक्स हम खरीद के देखते हैं, बेसिक पिकेक्स,
यस डेट्स अ बेसिक पिकअप, मुझे पता है आई कैन सेल यू अनटिल यू हैव अ माइनिंग लाइसेंस। ओके सो विदाउट हम लाइसेंस किए हम यहाँ पे टूल्स नहीं ले सकते हैं, और हमें अगर पॉइंट चाहिए तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे गए ईट समथिंग, क्राफ्ट टू आइटम, हार्वेस्ट 20 एप्पल्स। सो हम एप्पल कहाँ से लाए, चलो खाने का रहा तो खाने को तो चलो हम खा लेंगे अब, क्योंकि खाने में इतनी ऐसे इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी खाने के लिए देख सकते हो आप। मैं एक काम करता हूँ, अगर हमें खाना ही तो मैं इसको खा के ख़त्म कर देता हूँ। सो एक इसे पूरा खा जाओ, खा लिया क्या ये, अभी ये अनकुक्ड है, ये है तो ये कुक्ड। ओके 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 अब ठीक है मैं समझ गया, पहले मैं थोड़ा गलत कर रहा था। तो हमने यहाँ पे जो कंप्लीट कर लिया, हमने एक तो कर लिया, बट ये जो क्राफ्ट टू आइटम्स है ये पटे कहाँ वाले। चलो अभी हम ना इन सबको छोड़ो, बटरफ्लाई कैच करते हैं, काफ़ी सारी बटरफ्लाई हो गया या फिर काफ़ी सारा जो सामान है वो सामान लेके आते हैं, ताकि हम उसे जॉन को बेच के काफ़ी ज़्यादा पैसे और इकट्ठे कर सकें। बटरफ्लाई थोड़ा क्लोज, यू कॉट अ ब्लू मून बटरफ्लाई, हमें काफ़ी ज़्यादा सिंपल सिंपल बटरफ्लाई मिल रही है। और यहाँ पे बीच के पास काफ़ी सारा सामान है, तो ये सब उठा लेते हैं हम। स्कैल्प्स हमें वैसे इनकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ना, वैसे तो सब उठा लेते हैं हम, और ये सब जाके हम जॉन को बेच देते हैं। व्हाट इज दिस, वहाँ पे क्या वो खून पड़ा हुआ है क्या? चलो हम उसे बाद में करके एक्सप्लोर कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। ये जो रेड वाले हैं ना, ये वाले थोड़े से मेरे को लग रहा है यूनिक है, ये वाइट वाले तो काफ़ी सारे पड़े हैं, तो रेड वालों को ना मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। जरिए मैंने एक दो उठा लिए हैं रेड वाले, पर चलो अब जो उठा लिया उन्होंने तो हम सब बेच देंगे, इनको भी उठा लेते हैं। यहाँ पे एक दो गम लॉक और पड़े हुए हैं, सो इन गम लॉक्स को भी उठाते हैं। एक बटरफ्लाई और दी, ये कोई नई बटरफ्लाई और ये भी ब्लू मून बटरफ्लाई, शायद इस आइलैंड पे हमें आसपास के मैं सिर्फ ब्लू मून बटरफ्लाई ही देखने को मिलेगी, इसके अलावा यहाँ पे कोई और ऐसा कुछ यूनिक बटरफ्लाई हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। वुड्स भी हम यहाँ पे चॉप कर सकते हैं, तो चलो गाइस कुछ वुड्स ही हम यहाँ पे चॉप कर लेते हैं। अब तो घर के आसपास थोड़ी हरियाली होनी चाहिए, बट हमें इसको एट द लास्ट में तो बाद में तो हटाना ही हटाना है। बट इस पेड़ को काट भी नहीं पा रहा क्या, हम इससे इस पेड़ को नहीं काट सकते? शायद इन पेड़ों को काटने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ी सी एडवांस लेवल की एक्स की ज़रूरत पड़ेगी। हम सिर्फ इन सिंपल वालों को काट सकते हैं, तो हम इन सिंपल वालों को ही काट लेते हैं। अभी तुम्हारी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा है, तो मतलब स्टैमिना काफ़ी ज़्यादा है, एंड इसके अलावा ये वो वाला पेड़ है जो मोटा सा पेड़ था जिससे हमें थोड़ी सी अलग टाइप की हमें यहाँ पे सामान देखने को मिला था, सामान नहीं वैसे जो अलग टाइप की वुड्स थी, और थोड़ी सी रेयर लग रही थी वो वुड्स, तो देखते हैं कितनी रेयर है। ओके तो इन सभी जितने भी हमें गमलॉक्स मिले हैं, इन सारे गमलॉक्स से हम जो प्लैंक्स हैं प्लैंक्स क्रिएट कर लेते हैं, और एक बार देखते हैं क्या हम प्लैंक से कुछ चीज़ें बना सकते हैं। क्राफ्टिंग टेबल ओके, हमारे घर के हर तरफ बीज है, बीच है, सॉरी फॉर डैट बीच नहीं। ओके तो यहाँ पे एक और बटरफ्लाई, बटरफ्लाई आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। सो ये भी शायद ब्लू मून है, हाँ ये ब्लू मून बटरफ्लाई है, तो ब्लू मून बटरफ्लाई काफ़ी सारी है यहाँ पे। अब यहाँ पे ब्लिंग आइटम टू फ्लीच, कलेक्ट द रिक्वेस्टेड आइटम। टिनोर के लिए हमें चाहिए लाइसेंस, और लाइसेंस हमें कैसे मिलेगा, हमें पॉइंट्स नहीं है। यहाँ पे हमारे दो कंप्लीट हुए शायद हमें, ओके अब हम यहाँ पे माइनिंग का लाइसेंस ले सकते हैं, और शायद से अब हम यहाँ पे स्मेल्टर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हो चुका है, अब हम फ्लीट दीदी से बात करते हैं। यहाँ पे फ्लीट दादी जरा हमें यहाँ पे एक और, हमें एक और लाइसेंस की ज़रूरत है। सो इधर हमें चाहिए जो लाइसेंस है वो माइनिंग का लाइसेंस। सो माइनिंग लाइसेंस मिल चुका है हमें, अब माइनिंग लाइसेंस जब हमें मिल चुका है, सो अब हम यहाँ पे जॉन के पास जाके हम शायद से उस एक्स को भी ले सकते हैं। बट उससे पहले जितनी भी चीज़ हमने कलेक्ट करी है, वैसे हमें क्राफ्ट अभी चेंज नहीं कराना। ओके तो अभी तो हमने यहाँ पे प्लैंक्स नहीं बनाए हैं, तो प्लैंक्स बनाने के बाद आएंगे, हमारे पास पैसे अभी जब पड़े हैं। सो अभी हम बेसिक जो पिकेक्स है उस पिकेक्स को हम ऐसे ही ले लेते हैं। वेरी गुड, चलो दो पिकेक्स। सो पिकेक्स हमारी हॉट बार में नहीं है ना, तो हॉट बार में पहले हम यहाँ पे पिकेक्स लगा लेते हैं। सो जो प्लैंक है ना, इस प्लैंक को हटा के मैं इसकी जगह पिकेक्स कर देता हूँ। पहले में वो हो चुका है, चौथे पे हम इसे कर लेते हैं,
जो बेसिक आइटम्स हैं उनको अगर हम थोड़ा सा स्टार्टिंग साइड रखेंगे, यहाँ पे गेम कुछ तो दिक्कत आ रही है इस गेम के साथ, और हमें यहाँ पे ओर चाहिए ना। मैंने यहाँ पे देखो पिन करके रखा हुआ है, मैं टिन ओर की ज़रूरत है, तो टिन ओर शायद से इन पत्थरों पे नहीं है। ये टिन ओर के लिए मुझे एक पत्थर दिखे थे जो अलग से ग्लो हो रहे थे, बट मुझे ये आदमी क्या वो व्हाट वेट 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 व्हाट इज दिस, यहाँ पे मीट पड़ा हुआ है। वाह ये बात काम खराब हो गया, सामने की साइड ही हमें लग रहा जाना पड़ेगा, बट आसपास एक बार चेक कर दिए, एक बार उस साइड भी देख के आऊँ क्या। चलो छोड़ो सीधे सामने चलते हैं, हमारे आसपास यहाँ पे क्रोकोडाइल भी नहीं है, बट यहाँ पे हमें टिन ओर कहाँ मिलेगा, क्योंकि टिन ओर तो मेरे को आसपास कहीं भी नहीं दिख रहा है। ये सिंपल वाले वुड्स दिख रहे हैं, यहाँ पे भी डॉग है, काफ़ी ज़्यादा स्कल्स हैं, क्या स्कल्स को नहीं हम ले जा सकते, गमलॉग उठा लूँगा। चलो अब आया हूँ तो गमलॉग भी यहाँ से लेते चलता हूँ। हमें कुछ नहीं मिलेगा, ओके ओके मुझे शायद दिखे दिखे दिखे, ओके तो यहाँ पे है भरमार, ये शायद से कॉपर होंगे, और शायद से ये वाले जो है ना ये है टिन। तो चलो काफ़ी सारे टिन्स यहाँ से हम निकालते हैं, बट हमारे बड़ी हेल्थ नहीं है, हमें इस चीज़ का भी ध्यान देना होगा। हम कुछ खाने के लिए अपने साथ लेके आए हैं क्योंकि हमें यहाँ पे अपनी हेल्थ भी बढ़ानी है, तो ये कुक्ड वाला जो है कुक्ड फूड को मैं इस पे कर देता हूँ, इनको हम बैग के अंदर डाल लेते हैं क्योंकि हमें इनको खाते रहना पड़ेगा, क्योंकि अपनी हेल्थ को अगर हमें फुल करना है, जैसे आप देख सकते हो खाने के बाद हमारी जो स्टेमिना स्टेमिना फुल हो रहा है, जिसकी वजह से हम और यहाँ पे तोड़ सकते हैं। कॉपर को अभी हम छोड़ देते हैं, कॉपर हम यहाँ पे बाद में आके ले जाएंगे कॉपर यहाँ से। और उठा लो सारा, कि मेहनत करके निकाल रहे हैं हम टिन और यहाँ से, और शायद हमें कुछ स्टोन्स की भी ज़रूरत पड़ेगी हमें कैंप फायर बनाने के लिए। ये ले आसपास सारे तोड़ लेते, फिर इसके बाद हम चलते हैं बाकी सामानों को तोड़ने के लिए, बाकी हमें वुड की ज़रूरत पड़ेगी, और गम लॉक्स तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑलरेडी हैं। यार इसके अगला वाला तोड़ूंगा तो मेरे पे हेल्थ बिल्कुल नहीं बचेगी, स्टैमिना बिल्कुल नहीं बचेगा, मैं अगर हेल्थ बोले जा रहा हूँ इस चीज़ को। कितने हो चुके हैं हमारे पास यहाँ पे, 15 हो चुके हैं, 15 मेरे ख्याल सफिशियंट हैं, हमें 10 चाहिए ना एक के लिए, तो मैं क्या सोच रहा हूँ दो बनाते हैं, 5 और यहाँ पे इकट्ठे करते हैं, और उसके अलावा हमें 6 स्टोन्स की ज़रूरत है। कितने हो चुके हैं यहाँ पर, 18 हो चुके हैं। इसको करने से पहले हम यहाँ पे थोड़ी अपनी हेल्थ बढ़ा लेते हैं, 2 फुल हमारा पेट यहाँ पे भर चुका है, तो मतलब यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, मुझे लगता है हम अनलिमिटेड यहाँ पे खा सकते हैं, हमारा स्टेमिना बढ़ता रहेगा, बट हमें यहाँ पे पेट को भी देखना था, पेट हमारा फुल हो चुका है। अब बचता है सिर्फ मेरे ख्याल से स्टोन्स, तो हमें शायद इससे भी मिल जाएंगे। अच्छा मतलब हमें एक से सिर्फ एक ही स्टोन मिलेगा, क्या अभी भी हम कुछ खा सकते हैं, क्योंकि 2 फुल, चलो ज़्यादा स्टैमिना भी हमारा कम नहीं हुआ है, तो शायद हम घर की साइड चलते हैं अपने। वैसे है किस साइड हमारा घर, अरे हम इतना अंदर कब आ गए, तो हम अपने घर की साइड से अगर आप देखो तो हम कितनी दूर आ चुके हैं। मैं काम करता हूँ ना, यहाँ पे एक सेंटर में इसे लगा लेता हूँ स्टार को, हम मुझे तो पता भी लगा हम इतनी जल्दी इतनी दूर ट्रैवल कर चुके थे। ओके तो हमारे यहाँ पे प्लेयर का देखोगे तो फूड का ख़त्म हुआ, तो अब ये कुछ खाएगा तो इसकी हेल्थ बढ़ेगी। अब ठीक है थोड़ा तेज जाएगा, हमें 1 स्टोन की और ज़रूरत थी वैसे तो, बट अब मैं कूद गया, मैंने आसपास देखा है कि कहीं एलिगेटर तो नहीं है, ठीक है तो हम बीच में चल सकते हैं, तो हम इससे चलते हैं, स्पीड थोड़ी फास्ट रहेगी। पहले हम चल के एक कैंप फायर को करते हैं क्राफ्ट, जिसके लिए हमें पास जाना पड़ेगा प्लीट दादी के पास, प्लीट दादी की वर्किंग बेंच टेबल पे आएंगे। यहाँ पे कैंप फायर के लिए हमें गमलॉक पड़े हैं, हमें स्टोन्स की ज़रूरत है, तो स्टोन्स के लिए हमें, चलो आसपास तो वैसे काफ़ी सारे हैं, इन्हीं को तोड़ते हैं। एक से सिर्फ एक ही स्टोन मिलता है, कितना हो चुका है, 3 स्टोन्स हो चुके हैं हमारे पास। निकालते मैंने इस क्राफ्ट करने के बाद शायद हमें 3 स्टोर और ज़रूरत पड़ेगी,
अब देखते हैं हमें किसी जरूरत है। एक हमारे पास हो चुका है, अब हमें चाहिए 3 स्टोन्स। बट स्टोन से पहले हम यहाँ पर थोड़ा खा लेते हैं ताकि जो हेल्थ है हमारी थोड़ी सी बढ़े। हमारे पास यहाँ पे सारा खर खाना ख़त्म हो चुका है, बट हमें यहाँ पे जो मीट मिला था तो हम उस मीट का भी यूज़ करने वाले हैं। दो हो चुका है, एक और, ठीक है हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब यहाँ पे हम एक स्मेल्टर शायद बना सकते हैं। कलेक्ट द रिक्वेस्टेड आइटम। अच्छा पहले हमें फ्लीट से बात करनी है। आई नो आई कुड काउंट ऑन यू टू फाइंड एवरीथिंग यू नीड, हियर इज अ रेसिपी फॉर यू। ओके फर्नेस अब हमें मिल चुका है, पहले हमारे पास फर्नेस की रेसिपी यहाँ पे नहीं थी। वंस यू क्राफ्टेड द क्रूड फर्नेस पॉप इट आउट ऑन द ग्राउंड आउटसाइड। ओके और इससे हम फिर यहाँ पे मेल्ट कर सकते हैं, फिर हम यहाँ पे काफ़ी सारे इंगट्स बना सकते हैं। मुझे पता क्या इसमें भी उसे इंगट्स ही कहेंगे या कुछ और चीज़ कहेंगे, तो वो देखना पड़ेगा हमें। फर्नेस का सारा सामान हमारे पास पड़ा है तो यहाँ पे हम क्राफ्ट कर लेते हैं अपना एक फर्नेस। फर्नेस क्राफ्ट होगा पेड द क्रूड फर्नेस। तो अब इस फर्नेस को कहाँ प्लेस करा जाए, हमारे यहाँ पे जहाँ पे काम चल रहा है ना हमारे इसी के आसपास रखते हैं, थोड़ा सा हम पीछे तो हमारे पीछे भी तो काफ़ी सारी जगह है ना, तो इसे बिल्कुल चुका के देखो। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा और अगर मैं इसको अगर रोटेट करूँ, हमें इतना कुछ नहीं लगा सकते, हमें इतना इसको लगाना ही पड़ेगा। चलो ये भी ठीक है। अब हम इसके बाद हमें इसमें ऐड करने हैं, हमारे पास कुछ बचे हैं सारे टिनोर्स ख़त्म, तो टिनोर्स हमारे पास पड़े हैं तो टिनोर्स को हम डाल लेते हैं अपने क्विक हॉट बार में और ऐड कर लेना। यार अच्छा एक बार में 5 आते हैं बट ओके हम इस ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं। सो हम यहाँ पे क्राफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। प्लेस टिन ओर्स इन टू द क्रड एंड वेट फॉर इट टू बिकम द टिन बार एंड टेक द टिन बार टू फ्लीट। ओके और हमारे पास यहाँ पे शायद से मीट भी था ना, तो इस मीट को भी हम कुक कर लेते हैं। सो मीट भी यहाँ पे हमारा जो है कुक हो चुका है, बट चलो मीट को कर देते हैं। मीट से शायद हमारी हेल्थ थोड़ी ज़्यादा बढ़नी चाहिए यार, मेरे को तो उसके बाद जाने में सबसे डर लगता है, ये एकदम से ऐसे आग लगा देता है। क्या हमारा वो बन चुका है पीछे? नहीं अभी भी, हमें पीछे हमारा इंगर्ट बन रहा है। वैसे यहाँ पे वो टिन ओर है, टिन बार है, सॉरी फॉर डेट। यहाँ पे वैसे तो बाकी में उसे इंगर्ट कहा जाता है, और जिन लोगों को पता है कि इंगर्ट में किस गेम की ये देख के बता रहा हूँ कि इंगर्ट कहा जाता है, तो जरा वो कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपने हमारी पिछली सीरीज को भी फॉलो करा था जहाँ पे हमने इंगर्ट्स बनाई थी। एक मिनट यहाँ पे कुक हो चुका है, पीछे अभी भी हमारा जो टिन बार है वो टिन बार अभी भी बने जा रहा है। एक मिनट हमारे यहाँ पे कुक हो चुका है, मीट्स हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ हो जानी चाहिए फुल। वैसे अभी हम यहाँ पे हेल्थ फुल करके काफ़ी सामान और इकट्ठा कर सकते हैं, बट यहाँ पे टाइम हो चुका है शाम के 3 बज चुके हैं 4 बजने वाले। यहाँ पे इंगट भी हमारा कंप्लीट बन चुका है, टिन बार सॉरी फॉर डैट, इंगट बोलने की आदत लग चुकी है। यहाँ पे हम चलते हैं अभी हम फ्लीट दादी के पास, एंड फ्लीट दादी को हम चल के शायद से हम ये इंगट दे देते हैं। चलो अभी काम करता हूँ, मैं इंगट ही बोलता हूँ या टिन बार बोलता हूँ तो आप लोग समझ आना कि दोनों एक ही चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ें यहाँ पे नहीं है। आई विल टेल यू वट आई विल टीच यू हाउ टू क्राफ्ट अ वुडन क्रेट। ओके रेसिपीज फॉर नील स्टील। आई विल टेल यू वट ओलंपस वेल नोन फॉर बीइंग सेटलमेंट अगेन और डेट्स गुड फर्नेस टेबल सो वी कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट बिल्डिंग मोर परमानेंट स्ट्रक्चर। कितना कुछ बताइए, लेट्स डू इट, हाउ वट क्यों अभी कर लेते हैं। डेट्स अ स्पिरिट क्रेट ऑफ इफ रेकन वी स्पेंड अ बिट ऑफ मनी एंड स्टैंड ही विल सी इट्स वर्थ वाइल यू एंड वी शुड शो हिम हाउ फ्रेंडली पीपल आर अराउंड हेयर। Why don't ask John if he has anything he needs to be done? Great taste moment, he will live here for good. Okay, अब हमें यहाँ पे ना जॉन की मदद करनी है ताकि जॉन यहाँ पे परमानेंट मेंबर बन जाए। तो यहाँ पे ये एक साजिश चलती हुई फ्लीट दादी की तरफ से। तो यहाँ पे हम सामान तो ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं, वैसे रात भी हो चुकी है। मैं काम करता हूँ पहले इसकी ओके तो यहाँ पे ये है भी नहीं, जॉन शायद से कहीं गया हुआ है। ओके जॉन बाहर है वैसे तो, बट जॉन बाहर हम उसको बेच नहीं सकते, तो एक काम करते हैं हम आज के दिन को यहीं पे एंड करते हैं। शायद कुछ बचा नहीं है, एप्पल बचे बट एप्पल हमें यहाँ पे एक भी एप्पल हमें देखने को नहीं मिले। इफ़ आई एम राइट यस, एक भी एप्पल हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला आज के। सो चलो यहीं पर आप इसको सोते हैं। सो गाइस आज के सारे एपिसोड को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम आपसे अब अगले एपिसोड में। अगर आप लोगों को हमारी सीरीज अच्छी लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि जब मैं इस सीरीज़ की अगले एपिसोड डालूं तो आप लोग उसे मिस ना करें, तो इसके लिए आपको यहां पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल। सो गाइस मिलते हैं हम आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।